दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार अपने बातों के दूसरे के ऊपर निर्भर न करना चाहिए। हम अक्सर दूसरे के बातें सुनकर अपने बातों को इग्नोर कर देते हैं और उनके बहकाव में आ जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आप उन बातों को अमल करें जिन बातों पे आपको खुद का खुद भरोसा हो और आसानी से अपने भरोसे पे उस पर कायम कर सकें, क्योंकि आज की वजह से किसी की भी बहकाव में ना आए और बहकाव में आने के कारण आप काफ़ी परेशानी उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं संदीप के ब्लॉग्स में और आज के वीडियो में किस तरह हम दूसरे के बहकाव में ना आए इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिनों की बात है कि कुछ हमारे दोस्त थे, तो मैं कुछ सवाल पूछने गया और पूछा कि सर, क्या हमें दूसरे की बातों का अमल करना चाहिए? तो बहुत से ने क्या कहा कि अरे यार, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, कुछ बातों को ऐसे करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सबकी राय तो अलग अलग है, हम कभी अपने बातों को ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं होता है। अगर भरोसा होता तो किसी की भी बहकाव में आप आकर अपने घर परिवार दोस्ती यारी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप लोग अपने विचारों को प्रकट करें, अपने बातों को प्रकट करें कि जिससे आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी कोई दूसरा ना चलाए। अगर दूसरा आपकी ज़िंदगी को चलाता है तो इसका मतलब ये है कि आप बहकावे के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी भूल रहे हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी भूलते हैं तो बहकावे में आ सकते हैं। इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें। तो अगर किसी को अगर किसी बहकाव पे आते तो कमेंट जरूर करें कि सर, मेरे साथ भी ऐसा चीज़ हुआ है, मैं भी इन बातों से परेशान हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन चीज़ों के बारे में न जानते हुए भी, किसी की बात को न सुने हुए भी, अनसुने को भी अपने आप को बदल देते हैं। तो बहकावत से ये मतलब नहीं है कि आप किसी की भी बातों को सुनिए, समझिए, फिर कहिए कि सर, ये बातें सही हैं या गलत हैं, किन बातों को ध्यान दिया जाए, किन बातों पर नहीं दिया जाए। इन सारे चीज़ें से इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब भी हम अपने चीज़ों को सोचते समझते या कोई काम करने की कोशिश करते हैं या किसी से राय लेते हैं, तो राय में आपको हमेशा 3 से 4 लोगों का अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग तरीके मिलते हैं, जिससे आप कन्फ्यूज होता जाते हैं कि क्या हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ हमें अपने अंदर सुधारना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप लोगों की बातों को सुनो, समझो, और जो आपके दिल को अच्छा लगता है आप वो करो, क्योंकि आपका दिल जो भी कहेगा आप हमेशा राइट रहोगे, रॉन्ग नहीं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यानपूर्वक ध्यान दें और किसी की बहकावे में ना आए। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी सपोर्टिंग लगे आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टाटा, बाय बाय, सी यू।